वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड. सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फोर के लिए हमको फाइंड करने बोला है बाय एम पी सी यानी मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड. गिवन वैल्यूज एट द पॉइंट्स. अब चार पॉइंट्स दिए हैं और चार पॉइंट्स की चार वैल्यूज दी है. सो एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पे हमको वैल्यू मिल रही है. y0 जीरो इज टू, वाई वन इज टू पॉइंट जीरो वन जीरो, वाई टू इज टू पॉइंट जीरो फोर जीरो एंड वाई थ्री इज टू पॉइंट जीरो नाइन जीरो. नाउ बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि x0 जीरो इज जीरो वेन y0 जीरो इज टू. सिमिलरली x1 वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री ऐसे बोल सकते हैं. अब हमको x की वजह, देखो यहाँ पे स्टेप्स नहीं दी हुई है. जैसे प्रीवियस हमने जो टाइप्स देखे उसमें इन स्टेप्स बोला गया था या h डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे h नहीं दिया है. सो सिंपल है कि हमको x में आगे जो बढ़ रहे हैं फोर वैल्यूज उसमें x में डिफरेंस कितने का दिखा रहा है वो देखो. 0.3 और 0.2 माइनस किया तो क्या आता है 0.1. सिमिलरली 0.2 और 0.1 माइनस किया तो भी आता है 0.1. 0.1 और 0 भी माइनस किया तो क्या आता है 0.1. सो बेसिकली इन तीन वैल्यूज मतलब इन चार वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है 0.1 से. सो स्टेप्स कितनी हो गई हमारी h. अपने आप हमारा h हो गया 0.1. सो अब f ऑफ x0 y0 निकाल लेंगे हम लोग. f ऑफ x0 y0 यानी गिवन इक्वेशन जो है वो हमारा f ऑफ x है, दैट इज f ऑफ x सॉरी f ऑफ x कॉमा y है, दैट इज e रेज टू पावर, दैट इज 2 e रेज टू पावर x माइनस y. अब यहाँ पे हो जाएगा 2 e रेज टू पावर x 0, दैट इज x0 इज 0 एंड y0 इज 2. सो यहाँ पे सिर्फ हमने पुट कर दिया और जीरो. सो एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, अब एक्स वन वाई वन इज फिर से टू ई रेज टू पावर एक्स वन यानी कि पॉइंट वन माइनस वाई वन इज टू पॉइंट जीरो वन जीरो. सो दिस गिव्स 0.20034. एफ ऑफ एक्स टू कॉमा वाई टू, 2 e raised to power x2 ये नहीं हो गया हमारा 0.2 minus y2 is 2.040 and this gives calculation part I am not doing in video because it will take a lot of time. So this is f1 f sorry f0 f1 f2 and f3. So this is x3 and y3 2 e raised to power 0.3 माइनस और आखिरी हमारी वैल्यू है 2.090. सो एफ ऑफ 3 गिव्स 0.6097 बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला. बाय प्रेडिक्टर फॉर्मूला y ऑफ 0.4 इज y0 प्लस 4 बाय 3 h f1 ध्यान में रखो f2 f3 बीच वाले को माइनस पहले दो वाले को 2 लगाना है. सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है y0 प्लस 4 बाय 3 h f1 f2 f3 लिख दिया, बीच वाले को 2 नहीं लगाना है, इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को माइनस बाकी सब प्लस. अब ये जब हम फॉर्मूला पूरा ये जो वैल्यूज है ये पूरी पुट करते हैं तो 0.4 y ऑफ 0.4 हमको मिलता है 2.1523. नाउ f4 क्योंकि f3 तक हमने निकाल लिया था तो f4 क्या होगा x4 कॉमा y4. अब x4 इज 0.2 एंड y4 इज जो हमारा फाइनल वैल्यू आई है. सो ये हमको वैल्यू फिर से गिवन इक्वेशन में यहाँ पे मतलब हमारा जो मेन इक्वेशन है f ऑफ x कॉमा y सॉरी दिस वन यहाँ पे भी लिखा है मैंने. सो यहाँ पे पुट करके हमको निकालना है आंसर. सो एफ फोर बिकम्स 0.8313. अब ये था मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला. नाउ यूजिंग करेक्टर फार्मूला y4 ऑफ 1 इज इक्वल टू y2 ध्यान में रखिए प्लस इस बार h बाय 3. यहाँ पे 4 h बाय 3 था, यहाँ पे सिर्फ h बाय 3 ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे क्या था f1 f2 f3 यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है
F2, F3, F4 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे सब जगह पे देना है प्लस साइन और सिर्फ बीच वाले को मल्टीप्लाई करना है 4। अब यहाँ पे जो है हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो Y2 की जगह Y2, F2, F3, F4 जो हमारे आए हैं F2, F3 एंड F4 आखिरी वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट कर दी और फाइनल आंसर हमको जो मिलता है वो मिलता है 2.1624। तो ये जो है एक्चुअली सब मेथड्स में सबसे हार्ड फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए सबसे हार्ड कोई मेथड है तो वो है मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इसमें कुछ ये ध्यान में रखने का टैक्ट नहीं है और कुछ, आपको वो रटने समानी फॉर्मूले रटना ही पड़ेगा आपको। सो अगर ऑप्शन में छूटता है तो ऑप्शन में बेटर है कि ये प्रॉब्लम छोड़ दो। बाकी के फॉर्मूले सिंपल है थोड़ा लर्न करने में, एक दो बार लिख लोगे तो वो प्रैक्टिस हो जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है कि इवन मेरे भी ध्यान में रहते नहीं है। सो बेसिकली मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो है अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में छोड़ के बाकी के जो है वो सॉल्व करके आप पूरे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो आई गेट Y4 of 1 यहाँ पे हमको मिल गया यूजिंग करेक्टर फार्मूला। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था Y of 0.4 और बाद में F निकाला था, वैसे यहाँ पे F4 of 1 भी निकालना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा X4 f of x4 comma y4 of 1। यहाँ पे y4 of 1 लेना पड़ेगा इस बार। सो हमको फार्मूला पुट, हमने जो वैल्यू पुट करी उसके बाद हमको आंसर मिलेगा 0.8212। नाउ हमको एक इटरेशन तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू फिक्स आती है क्या वो देखने के लिए। सो y4 of 2 इट गिव्स y2 plus h/3। अब आपको पता तो चली गया होगा कि यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे होंगे, सिर्फ आखिरी वैल्यू y4 थी उसकी जगह y4 of 1 करना पड़ेगा बस। फिर देखना है कि सेम वैल्यू आती है क्या, तो हमारी वैल्यू आ गई है 2.1620, तो हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है स्टॉप। अगर यहाँ पे नहीं आती तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला था इसमें से y4 of 1 की जगह y4 of 2 करना पड़ता पुट, सॉरी इसके बाद में हमको करना पड़ता f4 of 2 निकालना पड़ता, और f4 of 2 निकाल के इस तरीके से जो आंसर आता वो हमको पुट करना पड़ता नेक्स्ट वाली वैल्यू में। सो ये था हार्ड मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। उसके बाद में मिलते हैं लास्ट मेथड में, दैट इज़ पिकार्ड्स मेथड। सो बाय फॉर नाउ, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है उसमें पूछिए। टेक केयर और प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है M4 न्यूमेरिकल मेथड्स में। बेस्ट ऑफ लक। टेक